स्टेशन पर काफ़ी भीड़ जमा है। सब किसी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन पर बने बेंच सामानों से लदे पड़े हैं। कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं है। ऐसे में जिसे जगह जहां मिली वह वहीं डेरा डाल दिया। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सारे यात्री अपना अपना बैग कंधों पर टांगे कुछ ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं मानो आर्मी के जवान दुश्मन देश की सेना से दो दो हाथ करने जा रहे हों। कुछ ही पलों में ट्रेन सामने से आती दिखाई देने लगती है। चूंकि स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है इसलिए अधिकांश यात्रियों को सीट मिलना मुश्किल लग रहा था, जिसके कारण डिब्बे में अपनी सीट पक्की करने के लिए सबकी धड़कन तेज हो चुकी। क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या बूढ़े क्या जवान, सब ने ट्रेन में जगह पाने की अपनी अपनी कमर कस ली। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन में सबसे पहले घुसने की होड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच एक नवयुवक सूट बूट और गले में लाल टाई पहने ट्रेन में चढ़ता है। अंदर जाकर वह अपनी 8 नंबर की सीट खोजता है, मगर उस पर तो पहले से ही एक दंपत्ति अपने 8 साल के बेटे और नन्ही रिमझिम के साथ विराजमान है। यह देखते ही नवयुवक का पारा चढ़ जाता है। वह उन्हें फौरन सीट छोड़ने को कहता है। तब वे दंपत्ति बताते हैं कि साहब उन्होंने भी रिजर्वेशन करा रखा है, मगर संजोग से अभी वह कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि जाना जरूरी है। ऐसे में वेटिंग टिकट पर ही सफ़र करने के लिए वे मजबूर हैं। वे बताते हैं कि उनका सफ़र काफ़ी लंबा है, ऐसे में खड़े खड़े जा पाना खासकर के बच्चों का संभव नहीं है। वे नवयुवक से अपनी आधी सीट देने का अनुरोध करते हैं ताकि उनके बच्चे बैठ कर जा सकें। रात होने पर वे स्वयं उनकी सीट छोड़ देने का वादा भी कर रहे थे, परंतु उनकी सारी दलीलें नवयुवक के सामने बेकार जाती हैं। नवयुवक काफ़ी तीखे स्वर में उन्हें सीट छोड़ने के लिए कहता है। दंपत्ति फिर भी उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, मगर नवयुवक उनकी एक भी नहीं सुनता है और छोटी बच्ची का बांह पकड़कर उसे आगे की तरफ फेंक देता है। बच्ची बाल बाल चोट खाने से बचती है। दंपत्ति समझ जाते हैं कि साहब बड़े आदमी हैं, वे छोटे लोगों की मजबूरियों को नहीं समझेंगे। असल में नवयुवक काफ़ी जानी माने आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ऊंची शिक्षा प्राप्त नवयुवक काफ़ी रौब वाला है। वह किसी भी प्रकार के समझौते के मूड में नहीं है। आखिरकार दंपत्ति अपने बच्चों का हाथ पकड़े वहीं ट्रेन में खड़े खड़े सफ़र करने लगते हैं। ट्रेन सीटी देते हुए कुछ ही पलों में आगे बढ़ जाती है। करीब 1 घंटे का समय बीत चुका है। दंपत्ति के दोनों बच्चों के साहब को रहम की निगाह से देखते जा रहे थे। जाने कब वह कह देंगे कि आओ बच्चों यहाँ बैठ जाओ, मगर साहब तो अपने कट सूत से अपने पैर बाहर निकालकर पूरी सीट पर पैर फैलाकर पेपर पढ़ने में मसरूफ थे। उन्हें जरा भी उन मासूम बच्चों की फिक्र नहीं है। कुछ ही देर में नन्ही रिमझिम साहब की सीट पर किनारे पर बची थोड़ी सी जगह पर पैरों को मोड़कर चुपके से बैठने की कोशिश करती है, मगर साहब उसे भाप जाते हैं और तुरंत ही अपने पैर से उस कोने की जगह को भी भर डालते हैं। साहब के ऐसा करते ही बैठने की कोशिश कर रही नन्ही रिमझिम सीधी खड़ी हो जाती है। इस प्रकार यह खेल कई बार रिमझिम और साहब के बीच चलता रहता है, मगर साहब किसी भी हाल में अपनी सीट का थोड़ा सा भी हिस्सा किसी से बांटना नहीं चाहते। और वैसे भी आखिर वह ऐसा करें क्यों, आखिर उन्होंने पूरी सीट के पैसे दिए हैं। ऐसे में वह सीट अब उनकी है, वह सीट के मालिक हैं। हाँ, मगर यह भी सच है कि जो दंपत्ति अपने बच्चों के साथ खड़ा है उसने भी उस सीट के उतने ही पैसे दिए हैं। बस फर्क इतना है कि जो पैसे साहब ने समय से दिए हैं वही पैसे दंपत्ति ने समय बीत जाने पर दिए, वरना आज वे सीट के मालिक होते और तब नज़ारा कुछ और होता। साहब जो अकड़ में टांगे फैलाए पेपर पढ़े जा रहे हैं, तब वे भी शायद इसी ट्रेन में उन्हीं की तरह इंसानियत की उम्मीद लगाए किसी की सीट के सामने खड़े होते हैं। धीरे धीरे ट्रेन को चलते हुए लगभग 8 घंटे बीत जाते हैं। थके हारे दंपत्ति आखिरकार वहीं गली में चद्दर बिछाकर बच्चों के साथ बैठ जाते हैं। हालांकि इधर उधर आने जाने वालों की वजह से उन्हें बार बार उठना पड़ रहा है। साहब को जब बीच बीच में टॉयलेट वगैरह जाने के लिए उठना पड़ता है तब वे उन पर काफ़ी नाराज होते हैं। अब तो रात हो चुकी है, टीटी के आने का समय भी हो गया है। टीटी एक एक करके सबका टिकट चेक करते हैं और सामान्य टिकट लेकर आरक्षित डिब्बे में सफ़र करने वालों को
बाहर खदेड़ रहे हैं। सबका टिकट चेक करते हुए टीटी उनके पास पहुंचता है और गली में बैठे दंपत्ति को वह जोर से डांटते हुए कहता है, यार आने जाने की जगह तो छोड़ दिया करो, तुम लोग गली में ही आकर बैठ जाते हो, यह भी नहीं सोचते कि कोई अगर आना जाना चाहे तो कैसे जाएगा। तब साहब भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ सर ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, पता नहीं इनको डब्बे में आने कौन देता है, जब देखो तो कहीं भी टाट डाले बैठ जाते हैं, यह भी नहीं सोचते हैं कि यह जगह आने जाने वालों के लिए है, इन्हें तो बस जगह दिखनी चाहिए, किसी को कितनी असुविधा होगी इन सब से इन्हें क्या फर्क पड़ता है। टीटी उस गरीब दंपत्ति से उनका टिकट मांगता है, तब वे बताते हैं कि उनके पास एक जनरल और दो आरक्षित टिकट हैं। हालांकि आरक्षित टिकट ट्रेन चलने से पहले वेटिंग में ही था, वह कंफर्म नहीं हुआ इसलिए उन्हें सीट नहीं मिली। अभी वे टीटी से अपनी बात बता ही रहे थे तब तक बीच में साहब टपक पड़े और बोले, देखा टीटी साहब, जनरल का टिकट लेकर ये आरक्षित डिब्बे में सफर कर रहे हैं और जिन्होंने आरक्षित का कंफर्म टिकट ले रखा है उन्हें असुविधा पैदा कर रहे हैं, इन्हें तो फौरन जेल भेज देना चाहिए। साहब की इन बातों से वह दंपत्ति घबरा जाते हैं और टीटी और साहब के हाथ सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। नहीं नहीं साहब, ऐसा ना करें, हम बहुत गरीब हैं और काफ़ी मुश्किलों में भी हमारा जाना बहुत ज़रूरी था, वरना हम इस तरह का सफ़र नहीं करते हैं। चूँकि पैसे भी हमारे पास कम थे इसलिए हमने एक आरक्षित टिकट करवाया और हमने सोचा कि एक आरक्षित और दो सामान्य टिकट लेकर एक ही बर्थ पर बैठकर हम सब साथ चले जाएंगे, मगर संजोग से वह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कृपया हमें माफ़ करें। तब टीटी ने बताया कि तुम्हारी टिकट अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, मगर अब वह आरएसी हो चुका है जिस पर बैठकर तुम जा सकते हो। जब वह उन्हें आरएसी सीट का नंबर बताने लगते हैं तो संजोगवश वह वही सीट निकलती है जिस पर साहब टांग पसारे सफ़र का आनंद ले रहे हैं। टीटी इंजीनियर साहब से सीट छोड़ने को कहता है और वह बताता है कि वह सीट आरएसी के तौर पर इन्हें दी जा रही है। यह सुनकर साहब चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, ये मेरी आरक्षित सीट है, इसे आप किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तब टीटी कहता है, ऐसा नहीं है सर, ये सीट आपकी नहीं है, आप अपना टिकट दिखाइए। मगर साहब के पास तो टिकट ही नहीं है, क्योंकि टिकट तो उन्होंने अपने जूनियर से कह के करवाया था जिसकी डिटेल अभी भी उनके मोबाइल में नहीं है। वे तुरंत अपने जूनियर को फ़ोन करके वह मैसेज उनके मोबाइल पर फॉरवर्ड करने को कहते हैं। जूनियर उनकी बातों को सुनकर हकलाने लगता है। काफ़ी देर हो जाती है मगर साहब के मोबाइल पर वह मैसेज नहीं पहुंचता है। ऐसे में टीटी अब साहब पर नाराज होने लगते हैं। तब वे दोबारा अपने जूनियर को फ़ोन करके फटकार लगाते हुए उससे फौरन मैसेज भेजने के लिए कहते हैं। उनके डांट फटकार के बीच उनका जूनियर दबी जुबान में हकलाते हुए उनसे कहता है कि साहब माफ़ करें, असल में मैंने आपका टिकट बुक कराने में पहले ही काफ़ी वक्त लगा दिया था, तब तक कंफर्म टिकट मिलना तो दूर, वेटिंग टिकट भी फुल हो चुकी थी, ऐसे में मैं आपका टिकट नहीं करा पाया, मुझे डर था कि कहीं आप नाराज़ होकर मुझे नौकरी से ना निकाल दें, इसलिए मैं आपको सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उनकी सारी बातें टीटी और वहां मौजूद सभी लोग सुन रहे थे। साहब के फोन डिस्कनेक्ट करते ही टीटी साहब बोल उठे, क्यों साहब, अभी तक तो आप आरक्षित डिब्बे में सामान्य टिकट लेकर यात्रा करने वालों को जेल भेजने के लिए कह रहे थे, मगर आपके पास तो कोई टिकट ही नहीं है, आप तो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, अब आपके साथ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब ये बताइए। साहब के पास टीटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे की रंगत धीरे धीरे कहीं गुम होती गई, माथे से उनके टप टप पसीना चू रहा था। अब वह बिल्कुल खामोश हैं, शायद टीटी से इंसानियत की आशा कर रहे थे। तभी गरीब जोड़ा बीच में बोल उठता है, अरे साहब जाने दीजिए ना, साहब बहुत पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, ऐसी भूल चूक तो हर किसी से हो जाती है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। टीटी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और जाते जाते साहब से कह उठता है, सीखिए इंजीनियर साहब, इनसे कुछ सीखिए। टीटी के वहां से जाते ही साहब झट से अपना बैग उठाकर कंधे में टांगे हुए और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में एक नन्ही सी बच्ची उनका हाथ पकड़ती है, वह बच्ची और कोई नहीं नन्ही रिमझिम थी, जिसे साहब अपनी सीट पर बैठने के लिए एक बित्ते की जगह भी देना ठीक नहीं समझते थे। वह बहुत ही मासूम अंदाज में सीट की तरफ इशारा करते हुए इंजीनियर साहब से कहती है, चलिए अंकल आपको पापा बुला रहे हैं। सामने दंपत्ति अपने बेटे के साथ खड़े उन्हें बुला रहे थे। फौरन नवयुवक उनके पास पहुंच जाता है। तब वे साहब से कहते हैं, साहब रात भर की बात है,
अगर आप नाराज ना हो तो बस इन दो बच्चों को सीट पर बिठा लें, बाकी हम लोग नीचे ही बैठकर चले जाएंगे। साहब को अपने किए पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वह फौरन उस नन्हे से रिमझिम को अपनी गोद में उठा लेते हैं और सबको साथ लेकर सीट पर बैठ जाते हैं। उस सीट पर साहब और दंपत्ति का पूरा परिवार एडजस्ट हो जाता है और फिर दो दिन तक चलने वाला ये लंबा सफ़र काफ़ी रोचक और मज़ेदार हो जाता है। सफलता और सुविधाएं हर किसी को चाहिए, परंतु कभी सफलताओं के अंधकार में हम इतने डूब जाते हैं कि इंसानियत को ही भूल बैठते हैं। हम काफ़ी सख्त हो जाते हैं, हमें किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि वह अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, हमने अच्छा कर्म किया है, सफलता हासिल की है, इसलिए हमारे हिस्से में दुनिया की सभी सुख सुविधाएँ हैं। वहीं अगर दूसरा अभाव में जी रहा है तो उसकी वजह उसके बुरे कर्म हैं। मगर क्या यह सच नहीं है? अगर हम अपनी सुविधाओं में से थोड़ी सी कटौती कर दें तो कई अभावग्रस्त लोगों के जीवन में खुशियाँ लाई जा सकती हैं। अगर हम दीपावली में जो दिए जलाते हैं उनमें से 10% कम कर दें तो शायद दूसरों के घरों में भी दिवाली मनाई जा सकती है। एक बार ऐसा करके तो देखिए, मुझे यकीन है दूसरे को दिए हुए सिर्फ 10% बांटकर वह खुशी मिलेगी जो आपको हजारों दिए जलाकर नहीं मिलेगी। दोस्तों, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरों की भी परिस्थितियों को समझिए। वह आज इस परिस्थिति में चाहे जिस वजह से भी क्यों ना हो, हमारा फर्ज है कि हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें, जहाँ तक हो सके उनके कष्ट को बांटें। चाहे सीट शेयर करनी हो, चाहे टिफिन और चाहे कुछ और, मिल बांट कर जीने में जो मजा है वह अकेले जीने में बिल्कुल नहीं है। अहंकार में अंधे न बने, दूसरों को भी समझें और उनकी मदद करें, उनके साथ जीना सीखें। दोस्तों, जब इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो फिर एक ट्रेन के डिब्बे के सीट का क्या अहंकार करना। किसी को थोड़ी जगह दे देने से अगर उनकी मुश्किलें कुछ कम हो जाती हैं तो ऐसा करने में आखिर जाता ही क्या है। कभी आप ट्रेन में सफर करें और किसी को आसपास खड़ा देखें तो खुद बुलाकर उसे अपने पास जरूर बिठाएं। मुझे यकीन है उस वक्त आपको हमारी यह कहानी याद आएगी और आपको भी वही खुशी मिलेगी जो उस गरीब दंपत्ति ने साहब को बिठाकर प्राप्त की।